तो गाइज भोले शंकर मूर्ति कला केंद्र में गाइज टाइम तो बहुत है, 10 से 15 मिनट समय है, लेकिन आप कस्टमर यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे कि भैया कहीं से हम बात करेंगे कहाँ से हैं और कौन सा मूर्ति इनको पसंद आया, तो सबसे पहले भी आपने नाम बता देंगे। राजेश सिन्हा। हाँ, कहाँ से हैं सर आप? नरहरपुर कांकेर से। कांकेर से हैं, 130 किलोमीटर दूर से सर यहाँ आए हैं परचेस करने के लिए, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि माना में मूर्ति कितनी क्वालिटी अच्छी मिलती है। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। आज इस व्लॉग में आपको पूरा एक्सप्लोर कराने वाला हूँ माना का चंदना मूर्ति कला केंद्र, जो कि अभी बहुत बढ़िया है। और मैंने गाइस देखा, पीछे देख सकते हो, अब बैक कैमरा दिखाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में दिखेगा, बहुत सारा मूर्ति यहाँ भी अवेलेबल है, दुर्गा मूर्ति तो सब कुछ दिखाऊंगा A to Z। वीडियो में बने रही है शुरू से लेकर अंत तक। और गाइस कोई भी क्वेरी कर रहा हो तो इनका जो नंबर है फोन नंबर वो मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, तब वहाँ से जाके कॉल करके पता कर सकते हो लाइक है, क्या रेट चल रहा है, कितनी हाइट है, कब फाइनल हो जाएगा। जब मैंने सभी भैया से बात किया तो वो बोले कि यहाँ का जो मूर्ति कला केंद्र है या जो भी दुर्गा मूर्ति यहाँ बन रहा है वो 30 तारीख तक गाइज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बैक कैमरा दिखाता हूँ गाइज कितना हाइट का मूर्ति है और कितना चीज़ भी कंप्लीट हो चुका है, आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा। सर वीडियो गाइज अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले। कोई भी क्वेरी करना हो कमेंट जरूर करें, अगर उसका आंसर मेरे पास होगा मैं दूंगा, नहीं होगा तो हो सकता है दुकानदार से शॉपर से जो भी उनसे पूछ के भी गाइज दे दिया करूँगा। सो प्लीज़ कमेंट किया करें जो भी आपका क्वेरी हो। बाकी आप आगे वीडियो देखिए गाइज कैसा है यहाँ का मूर्ति। सो गाइज ये है चंदना मूर्ति आर्ट और इसका नाम नंबर यहाँ देख सकते हो, और इनका भी मूर्ति गाइज यहाँ बनाने का प्रोसेस जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाजू में गाइज दिखाऊं तो वहाँ देख रहे हो गाइज वो है आपका ओम जय मूर्ति कला केंद्र, जहाँ की आपको नेक्स्ट वीडियो में वहाँ भी बनाने वाला हूँ। और इधर देखते हो गाइज तो यहाँ भी मूर्ति कला केंद्र, यानी कि माना में हर रोड तरफ ही गाइज आपको मूर्ति कला केंद्र देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल चलते हैं अंदर चंदना मूर्ति कला केंद्र और देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज अवेलेबल है। बाहर से चंदना मूर्ति कला केंद्र कुछ ऐसा दिखता है और अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ मैंने देखा माना में सबसे जल्दी फास्ट में काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अभी व्हाइट जो पुट्टी है, व्हाइट कलर बोलो, ये भी पेंट नहीं मारे हैं, जबकि गाइज यहाँ देख सकते हो ये व्हाइट कलर पेंट लगभग कंप्लीट हो गया और यहाँ फेस भी बना दिया गाइज। अभी आपको श्रुति मूर्ति कला केंद्र में दिखाया था वहाँ फेस भी नहीं बना था, बट गाइज यहाँ देख सकते हो फेस वाला काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ ऐसा मान सकते हो कि माना में भी सबसे तेज इन्हीं के पास काम हो रहा है। तो गाइज यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा मूर्ति का ओवरऑल लुक दे दे रहा हूँ, जो कि व्हाइट पेंट बस हुआ है तो कितना नज़र आ रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है आप यहाँ देख सकते हो गाइज। तो गाइज ये देखो बैकग्राउंड में कमल का फूल बनाया गया है और सामने में आपका दुर्गा माता का एक मूर्ति है, और इसमें गाइज अलग ही आपको डिटेल देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ गाइज। यहाँ देखो पीछे कोई पक्षी है, मेरे ख्याल से कोई भगवान से रिलेटेड कोई पक्षी होंगे, आप लोग कमेंट जरूर करना। तो ये कुछ अलग ही प्रकार से है, और इधर गाइज देखते हो तो इधर अलग है। सो ऐसे ऐसा मूर्ति गाइज बहुत सारा है चंदना मूर्ति कला केंद्र में। हाइट की बात करूँ गाइज तो जो मेरा हाइट है वो यहाँ तक आएगा, और मूर्ति गाइज यहाँ से देख सकते हो मतलब मेरे हाइट से 2 फुट ज़्यादा है, तो यानी कि 7 फीट के आसपास मूर्ति होने वाला है गाइज। और काम धाम गाइज इधर दिखाऊँ तो जोरों शोर से चल रहा है, आप इधर देख सकते हो। और ये मूर्ति गाइज दिखाऊँ तो ये पेंट होने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कितना बढ़िया दिखने वाला है, क्योंकि बैकग्राउंड में देखो कितना बड़ा नाग भगवान का भी बनाया गया है। सो अभी देखो गाइज यहाँ लाइव काम चालू हो गया, भैया लोग आ गए अपने काम करने के लिए। भैया इस मूर्ति का हाइट बताएंगे कितना हाइट होगा? हाइट है 12-13 फीट होगा ना। सो गाइज आप लोग ये इस मूर्ति को देखो 12-13 फीट इसका हाइट होने वाला है। और ये पेंट कब तक हो जाएगा लगभग कुछ अंदाजा है? कल परसों तक, मतलब फाइनल कब तक हो जाएगा पूरा? फाइनल ऐसे आएगा ना 3-4 दिन से पहले और पूरा बना देते हैं। अच्छा बना देते हैं, यानी कि 10 अक्टूबर को है तो 4-5 दिन पहले है ना, यानी कि 30 के आसपास। पहले जिसका ऑर्डर दे दिया है ना, हाँ वो पहले लेके जाएगा तो उसका पहले फाइनल। अच्छा सो गाइज अगर आप लोगों को पहले मूर्ति बुक करना हो तो पहले से बताना पड़ता है, पहले बुक करना पड़ता है तभी आपको टाइम से मूर्ति मिल पाएगा, यानी कि सबसे पहले मिलेगा। अभी जितना मूर्ति देख रहे हो जो सबसे पहले ऑर्डर दिया होगा सबसे पहले उसका पेंट किया जाएगा, उसके बाद जो मूर्ति बचेंगे उसका पेंट होगा। इधर गाइज दिखाऊं तो लगभग सभी मूर्ति में गाइज फेस बना दिया गया है। सो गाइज चंदना मूर्ति कला केंद्र में यही सब है जो आपको दिखाया, व्हाइट कलर पुट्टी हो चुका है फाइनल, यहाँ 30 तारीख तक या 1-2 तारीख तक हो जाएगा। और पहले चाहिए तो आपको पहले आना पड़ेगा, पहले बुक करना पड़ेगा, तब आपको टाइम से सही शॉट मूर्ति मिल जाएगा। तो चलिए गाइज निकलते हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं दूसरी मूर्ति कला केंद्र। तो गाइज मेरे पीछे है चंदना मूर्ति कला केंद्र जिसका वीडियो आप देख रहे थे, इसी वीडियो में गाइज एक और इसके सामने ही दुकान है उसको भी आप लोग इंक्लूड कर दे रहा हूँ, ताकि और आइडिया आपको लग जाए कि माना में कितना मूर्ति तैयार हो गया है। एक वीडियो में गाइज 2 मूर्ति दुकान का रखूंगा, ताकि आपको एक ही वीडियो में 2 दुकान देखने को मिल जाए और टाइम भी पास ना हो, ज़्यादा नॉलेज आप लोग ले पाओ। तो गाइज सामने आपको दिखा रहा था चंदना मूर्ति आर्ट,
और जस्ट इसके रोड के इस पार देखते हो गाइज, तो यहाँ आपका भोले शंकर मूर्ति भवन, इसका भी नाम नंबर दिया गया गाइज, आप लोग नाम नंबर नोट कर सकते हो। तो अब चलते हैं यहाँ मंदिर बोल रहा हूँ शॉप के अंदर, और दिखाता हूँ गाइज यहाँ कितना मूर्ति तैयार हो चुका है। तो आप बाहर से गाइज यहाँ से देख सकते हो, यहाँ भी पुट्टी उट्टी काम हो गया है, जो बेसमेंट है मूर्ति गाइज वो रेडी हो चुका है, और अंदर भी दिखाऊंगा गाइज कितना रेडी हुआ है नहीं रेडी हुआ है। और यहाँ भी अलग अलग प्रकार के गाइज आप लोगों को मूर्ति देखने को मिल जाएगा। सो गाइज इस दुकान में आप देख सकते हो कितने बढ़िया बढ़िया दुर्गा मूर्ति बनाया जा रहा है, और एक से एक है गाइज। इधर आप जो कुछ लोग देख रहे हो सभी लोग यहाँ के कस्टमर हैं और बुक करने आए हैं, परचेस करने के लिए आए हैं गाइज। तो गाइज अब आप लोग लेके चल रहा हूँ इस लेन में, और लेन में दिखाता हूँ एक एक करके मूर्ति। आप इधर देख सकते हो गाइज, इस मूर्ति का हाइट कम से कम होने वाला है गाइज 7 से 8 फीट, और बेसमेंट तैयार है, पुट्टी कलर जो व्हाइट कलर होता है वो भी तैयार है गाइज, और बाकी इधर जितना मूर्ति देख रहे हो सब में अभी व्हाइट कलर जो पेंट है वो करना बाकी है, और इधर देख ही सकते हो। तो गाइज भोले शंकर मूर्ति कला केंद्र में गाइज टाइम तो बहुत है, 10 से 15 मिनट समय है, लेकिन आप कस्टमर यहाँ पहुंच चुके हैं, जैसे कि भैया है कहीं से हम बात करेंगे कहाँ से हैं और कौन सा मूर्ति इनको पसंद आया, तो सबसे पहले भी आपने नाम बता देंगे। राजेश सिन्हा। हाँ, कहाँ से हैं सर आप? नरहरपुर कांकेर से। कांकेर से हैं। सो गाइज रायपुर से कांकेर की दूरी कम से कम 50 किलोमीटर होगा? नहीं, 130। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं, मैं अंदाजे से बता रहा था, कांकेर में कभी गया नहीं हूँ, 130 किलोमीटर दूर से सर यहाँ आया परचेस करने के लिए, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि माना में मूर्ति कितनी क्वालिटी अच्छी मिलती है। सो गाइज आप लोग कुछ पसंद आएगी नहीं सर आपको? कोई मूर्ति पसंद हो गई है, बुक हो गई है, ये पसंद आ गया है। रेट कुछ बताना चाहेंगे? सर जी वो बताएंगे। सो गाइज वो रेट बाद में पता चल जाएगा, जैसे आप देख सकते हो भैया कांकेर से आए थे और ये मूर्ति भैया को पसंद आ गया है, बुक हो गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी आपको, सबसे पहले मूर्ति को बुक कर लिया आप, है ना, थैंक यू। सो गाइज आप लोग आगे दिखाता हूँ, आप लोग चाहो तो बुक कर सकते हो, नाम नंबर पूरे डिस्प्ले में रेटिंग में डाल दूंगा मैं, स्टार्टिंग में डाल देता हूँ हर वीडियो की तरह। सो आगे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आगे पुट्टी का काम भी चालू है, और जैसे नर्सिंग होम या वृद्ध जन कलर पेंट आपको गाइज यहाँ भी एक तारीख से पहले ही हो जाएगा। सो इधर देख सकते हो गाइज भैया आए थे, वो बुक अपना कर लिए हैं, और इधर गाइज दिखाऊं तो पेंट वेंट हो रहा है। तो भैया पुट्टी मार रहे हो? हाँ भैया। तो ये आपका क्लियर कब तक हो जाएगा मूर्ति, कुछ अंदाजा है? पेंट पूरा फाइनल 30 तारीख तक हो जाएगा। और आपके पास सबसे छोटा मूर्ति कितने हाइट का हो जाएगा, कुछ आइडिया है? अभी नया हूँ। अच्छा आप नए हैं, तो भैया को पता नहीं कि इतना छोटे मूर्ति कितना हाइट है, आप लोग गाइज जो यहाँ मूर्ति अवेलेबल है उसका ही हाइट देख सकते हो, और लगभग 5 फीट 6 फीट 7 फीट 8 फीट ये सब मूर्ति गाइज, तो और हाइट बड़ा बड़ा है। सो बढ़िया है, आप लोग अगर रायपुर से हो या बाहर से भी हो तो नंबर में दिखाई दूँ, आप लोग वहाँ कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, रेट क्या है और बुक क्या है आप पता कर सकते हो। तो भैया अपना नाम बता, क्या नाम है आपका? लोकनाथ राजंसी है। क्या कर रहे हो, पुट्टी मार रहे हो? तो गाइस देख सकते हैं पुट्टी का भैया घिसाई कर रहे हैं, मतलब पूरे जोरों शोरों से काम चल रहे हैं माना में। तो आप लोग बिल्कुल भी विजिट करो, नंबर में दिखा दो, कॉल वॉल करो। इधर भैया को देख सकते हो, भैया भी काम कर रहे हैं। सो गाइस इधर दोनों लेन में बहुत सारी मूर्तियां है, एक से एक है, सबका बैकग्राउंड अलग है, किसी में कमल का फूल है, किसी में अलग डिजाइन है। तो आप लोग लाइव यहाँ आओगे तो ही ज्यादा डिटेल मिल पाएगा, और इसका वीडियो मैं एक और बनाऊंगा जब फाइनल हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल वीडियोज बना दूंगा। सो इधर हाइट देख सकते हो, बैकग्राउंड देख सकते हो। तो गाइज ये था आपका भोले शंकर मूर्ति कला केंद्र। अगर इधर बहुत गर्मी है, ऊपर की भी त्रिपाल रहता है, तो अब मैं निकल रहा हूँ इस शॉप से बाहर। तो रेट के बारे में गाइज बताओ, तो रेट यहाँ के क्लियर अभी नहीं, क्योंकि मूर्ति ही पूरा क्लियर नहीं है, तो रेट बताने कोई मतलब है नहीं, रेट आप लोग आओगे तो हो जाएगा ऊपर नीचे। अभी तो कोई फाइनल रेट बिल्कुल मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रेट भैया बताया ही नहीं है, क्योंकि मूर्ति अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोग कोई भी क्वेरी करना, बुक कैसे करना है, क्या करना होगा, जो भी आपको नॉलेज चाहिए यहाँ के दुकान के बारे में, तो नंबर आपको दिखा दिया, वहाँ जाकर कॉल करके बात कर सकते हो। और गाइज ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।